पुलिस की गाड़ी आगे आई और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक ली। आपको जहाँ कहा जाना है हमें रोक रहे हैं, किस बात पे रोक? क्या मतलब है रोकने का? शहर के बीच में ऐसी कई रोक ली है। समय भारत को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। मेरी सुरक्षा नहीं, ये है मेरी सुरक्षा, तो फिर हमें रोक रहे हैं, किस बात पे रोक? क्या मतलब है रोकने का? शहर के बीच में ऐसी कई रोक ली है। एसपीजी का इशू नहीं है, ये यूपी पुलिस का इशू है, कोई हमें रोकने का कोई मतलब ही नहीं। बीच सड़क में ऐसी रोक ली है पूरी सारी। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। मम्मी सिख है ना, बीमार है बहुत ज्यादा, जी हाँ, लीवर की प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम, इसलिए आपकी आंखें पीली पीली हो रही है। वो आप देखभाल, आपकी देखभाल करते हैं? कितने सालों से शादी शुदा है? 50 से ऊपर हो गया। लेकिन देखो आप, लेकिन उनके लिए आपको मजबूत रहना पड़ेगा, है ना? है ना, वो इतनी देर रख भी नहीं सकते, उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। और हम रास्ते में अचानक पुलिस की गाड़ी आगे आई और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक ली और हमें कहा कि आप नहीं जा सकते। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं जा सकते, इनको तो मालूम भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो रोकने का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, नहीं आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा फिर मुझे रोकिए, तो मैं गाड़ी से उतर गई और मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगी, मैं पैदल चलने लगी। तो फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। तो पुलिस वालों ने आपको धकेला? हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने, मैं गिर गई। नहीं, फिर मैं चलती रही। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा, तो मैं अपने कार्यकर्ता के टू व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। उसके बाद उन्होंने उस टू व्हीलर को घेरा, तो फिर मैं उससे उतर गई और यहाँ तक पैदल आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इनसे मिलना चाह रही थी, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। ये 77 साल के एक एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, जो अपने घर में शांतिपूर्वक अपने घर में थे, एक फेसबुक की पोस्ट डाली उन्होंने, उस फेसबुक की पोस्ट में बाकायदा उन्होंने कहा है कि अहिंसा का मतलब जो मतलब बगैर हिंसा किए अहिंसात्मक प्रदर्शन होना चाहिए, किसी को गलत काम नहीं करना चाहिए। फिर भी आके उनको उठा के जेल ले गए। उनकी बीवी बहुत बीमार है, उठ नहीं पा रही है, पलंग में लेटी हुई है, रो रही थी अभी। मतलब ये सब किस लिए? क्योंकि आपकी नीति पब्लिक को पसंद नहीं है। लखनऊ में आपको रोका जी, हर जगह रोकती क्यों है पुलिस? क्योंकि मुझे